सनसनी ऑफ इंडिया। जैतपुर थाना पुलिस ने 2000 रुपयों की डकैती के मामले में एक ऐसे आरोपी को दबोचा है जो आदतन अपराधी है। वह डकैती और चोरी के लगभग 16 मामलों में जेल जा चुका है। अपराधी हाल ही के दिनों में फरीदाबाद की जेल से जमानत पर बाहर आया था, लेकिन आरोपी ने अपनी नशे की लत को पूरा करने के लिए अपने एक साथी के साथ मिलकर एक और डकैती की वारदात को अंजाम दे डाला। आरोपियों की पहचान 26 वर्षीय बलजीत सिंह उर्फ मोटा व 22 वर्षीय हुसैन खान के रूप में हुई है। दोनों बदरपुर में जैतपुर के रहने वाले हैं। दक्षिण पूर्व जिला DCP ईशा पांड्या ने बताया कि दिनांक 8 मार्च 2022 को थाना जैतपुर में दयाल सिंह मार्केट जैतपुर गांव मैन खड्डा कॉलोनी रोड बदरपुर नई दिल्ली स्थित गुरु नानक गार्डन के एक कर्मचारी के साथ डकैती की एक कॉल आई थी। डकैती की कॉल मिलते ही थाना जैतपुर पुलिस स्टाफ मौके पर पहुंचा। मौके पर शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि वो गुरु नानक गार्डन की देखभाल करता है। 8 मार्च 2022 की देर रात गार्डन में शादी समारोह खत्म होने के बाद वो गार्डन का गेट बंद कर रहा था, तभी दो लड़के आए और उससे DJ की फीस के बारे में पूछताछ के बहाने से जबरदस्ती गार्डन में घुस गए और डरा धमकाकर उससे 2000 रुपए लूटकर जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। उगेश कुमार SHO थाना जैतपुर ने तुरंत ही थाना जैतपुर में FIR संख्या 161/2022 अंडर सेक्शन 394/506/34 के तहत मामला दर्ज कर फरार बदमाशों को दबोचने के लिए छापेमारी शुरू कर दी। DCP ईशा पांडेय का दक्षिण पूर्व जिले में क्रिमिनलों को क्लियर संदेश है कि क्राइम छोटा हो या बड़ा, क्रिमिनलों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। क्रिमिनल अपने दिमाग से गलतफहमी निकाल दे कि अपराध करके वो बच जाएगा। क्राइम को अंजाम देने वाले क्रिमिनल के साथ साथ क्राइम में क्रिमिनल की मदद करने वाले किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। DCP ईशा पांडेय ने अपराधियों को हर हाल में दबोचने के लिए बदरपुर के तेजतर्रार ACP अजय कुमार की सुपरविजन व उगेश कुमार SHO जैतपुर के नेतृत्व में SI सत्यनारायण, हेड कांस्टेबल जगजीत आनंद, सियाराम कांस्टेबल अरुण व ललित कांत की एक क्रेक टीम का गठन किया। आरोपियों की पहचान के लिए जांच टीम ने सबसे पहले गार्डन में लगे CCTV कैमरों को खंगाला, लेकिन गार्डन के अंदर लगा कैमरा खराब होने की वजह से वारदात कैमरे में कैद नहीं हुई। वारदात देर रात की थी, इसलिए क्राइम सीन के आसपास लगे बाकी CCTV कैमरों में भी अंधेरा होने की वजह से आरोपियों की पहचान नहीं हो सकी। इलाके में मुखबिरों को एक्टिव किया, लेकिन मुखबिरों से भी कोई क्लू नहीं मिला। इलाके में शांति और आमजन का कानून के प्रति विश्वास बनाए रखने के लिए ACP अजय कुमार ने वारदात को चुनौती के रूप में लेते हुए आरोपियों को दबोचने के लिए दूसरे एंगल पर काम करना शुरू कर दिया। ACP अजय कुमार की सुपरविजन में SHO उगेश कुमार ने घटना वाली रात का मोबाइल डंप डाटा निकाला। मोबाइल डंप डाटा स्कैन करने पर जांच टीम को क्राइम सीन के पास सस्पेक्ट 2 मोबाइल नंबर मिले जो कि वारदात वाले दिन से ही बंद थे। ACP अजय कुमार ने बंद पड़े दोनों मोबाइल नंबरों की कॉल हिस्ट्री खंगाली तो पता चला कि उनमें से एक मोबाइल नंबर इलाके के घोषित बदमाश बलजीत सिंह उर्फ मोटा का है। टीम ने बलजीत सिंह उर्फ मोटा को दबोचने के लिए छापेमारी की तो पता चला कि वारदात वाले दिन से ही आरोपी अपने घर नहीं आया है। SHO उगेश कुमार ने आरोपी के घर के आसपास मुखबिरों का जाल बिछा दिया। दिनांक 9 मार्च 2022 को SHO उगेश कुमार को मुखबिरों से सूचना मिली कि आरोपी बलजीत सिंह उर्फ मोटा अपने परिवार से मिलने के लिए जैतपुर गांव भगत सिंह चौक पर आने वाला है। सूचना मिलते ही जांच टीम ने भगत सिंह चौक पर अपना जाल बिछा दिया। काफी देर इंतजार करने के चेहरा छुपाए एक सस्पेक्ट व्यक्ति भगत सिंह चौक पर आता दिखाई दिया। मुखबिर के इशारा करने पर टीम ने आरोपी को दबोच लिया। आरोपी की पहचान बदरपुर जैतपुर गांव निवासी 26 वर्षीय बलजीत सिंह उर्फ मोटा पुत्र गुरदीप सिंह के रूप में हुई। कड़ी पूछताछ में आरोपी ने डकैती की वारदात को अंजाम देने की बात कबूल कर ली। आरोपी की निशानदेही पर टीम ने दूसरे आरोपी को भी दबोच लिया। दूसरे आरोपी की पहचान सौरभ विहार जैतपुर गांव निवासी 22 वर्षीय हुसैन खान पुत्र फरीद अली के रूप में हुई है। लगातार पूछताछ करने पर दोनों आरोपियों ने खुलासा किया कि उनके पास अपने खर्चे पूरे करने के लिए कोई काम धंधा नहीं है, उन्हें शराब और नशीली दवाओं की लत है। दोनों आरोपियों ने बताया कि नशे की लत को पूरा करने के लिए अपराध करना शुरू कर दिया। जांच में पुलिस टीम को पता चला कि आरोपी बलजीत सिंह उर्फ मोटा 10वीं तक पढ़ा है। वह बेरोजगार और नशे का आदी है। इसकी लंबी क्राइम हिस्ट्री है। यह पहले भी डकैती और चोरी के 16 मामलों में गिरफ्तार हो चुका है। हाल ही के दिनों में फरीदाबाद जेल से जमानत पर छूटकर आया है। दूसरा आरोपी हुसैन खान ने 9वीं तक पढ़ाई की है। यह भी बेरोजगार है। इसकी पहले की कोई क्राइम हिस्ट्री नहीं है। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेष में हो सकता है। रहे हर पल चौकस।
और साथ ही क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में हर अपराध पर है हमारी कड़ी नजर। जुर्म की हर खबर से कराएंगे आपको रूबरू। देखना ना भूलें सनसनी ऑफ इंडिया कड़ी नजर। कड़ी खबर और सच दिखाने की हिम्मत। सच दिखाते हैं हम सनसनी ऑफ इंडिया हिंदी साप्ताहिक न्यूज़पेपर हर रविवार आपके द्वार जो आप तक पहुंचाता है क्राइम से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ 5 रुपए में।